सो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोनित एचएसएससी में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर से जुड़ी हुई एक और नई अपडेट के साथ। सो फाइनली आपके जो भी थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर के यूजी पीजी के मर्सी चांस के फॉर्म अप्लाई हुए थे उनके लिए आपके एडमिट कार्ड इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर ने जारी कर दिए हैं। तो आपको एडमिट कार्ड कैसे निकालना है उस सब की बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे आपका एग्जाम सेंटर क्या होने वाला है। तो सबसे पहली न्यूज़ तो आपके लिए यही है कि जो भी आपके यूजी एंड पीजी के थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के फॉर्म अप्लाई हुए थे वो आपके ये मर्सी चांस की जो एग्जाम की डेट शीट आपकी जारी हो चुकी थी, तो आज आपके एडमिट कार्ड भी आपको अवेलेबल हो गए हैं। एडमिट कार्ड निकालने के लिए आपको सिंपली किसी भी ब्राउजर पे आ जाना है। एडमिट कार्ड निकालने से पहले डेट शीट की बात करें तो डेट शीट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डायरेक्ट डेट शीट के लिंक पे जैसे क्लिक करोगे ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आप अपनी डेट शीट है वो निकाल सकते हो। एडमिट कार्ड निकालने के लिए आपको गूगल ब्राउजर पे आ जाना है। एग्जाम सेंटर आपके एडमिट कार्ड में ही मिलेगा, तो एडमिट कार्ड देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद एग्जाम सेंटर की बात करेंगे। तो एडमिट कार्ड निकालने के लिए आपको सिंपली आईजू कैन अप्लाई या फिर आईजू स्टूडेंट लॉगिन पे सर्च करना है। तो आईजू कैन अप्लाई हम सर्च कर लेते हैं। आईजू कैन अप्लाई हमने सिंपली सर्च किया, आपके सामने कुछ इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। नीचे भी आपको देखने को मिलेगी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो भी आपको देखने को मिलेगी, आपको मेन वेबसाइट पे जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे विजिट करना है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट होने वाली है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। तो आप यहां पे देख पाओगे iju1.ucanapply.com, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे आपको विजिट करना है। उसके बाद आपको जो है स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा और आप अपना एडमिट कार्ड निकाल लोगे। तो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी पे हम सिंपली क्लिक करते हैं एक बार, मैंने क्लिक किया इस पे। उसके बाद जो है ऑफिशियल वेबसाइट का नया वेब पेज आपके सामने ओपन होगा जिसमें आपको स्टूडेंट लॉगिन देखने को मिलेगा। तो सिंपली स्टूडेंट लॉगिन यहां से आपको देखने को मिल रहा है, इस पे ही आपको क्लिक करके लॉगिन करना है अपनी प्रोफाइल में और एडमिट कार्ड मिल जाएगा आपको। तो लॉगिन करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। यूजर नेम पासवर्ड क्या है? यूजर नेम पासवर्ड में आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर होने वाला है जिससे आप एग्जाम देते हो, जिससे आप रिजल्ट चेक करते हो, जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है आईजू के वो। आप जैसे इसमें साइन इन करोगे, अगर ठीक है तो साइन इन हो जाएगा, अगर गलत है तो एरर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो आपका ये गलत है, तो आपका गलत है तो आगे क्या करें, आपको ठीक पता करने के लिए आपके ऑफिस में विजिट करना है, जो आपका कॉलेज है जिसमें आपका एडमिशन है उसमें आपको जाके अपना यूजर नेम पासवर्ड पता कर लेना है। वो आपको वहां से ठीक यूजर नेम पासवर्ड आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो मेरे को ठीक पता है तो मैं सिंपली इसमें आईजू स्टूडेंट लॉगिन में दोबारा से लॉगिन करता हूं, अपना यूजर नेम फिल करता हूं और जो भी मेरा पासवर्ड है वो मैं यहां से इसमें फिल कर देता हूं। तो सिंपली मैं इसमें अपना पासवर्ड डाल देता हूं। सो मैंने अपना यूजर नेम पासवर्ड ठीक डाल दिया है। उसके बाद सिंपली मैं यहां से इसको साइन इन कर लूंगा। जैसे ही मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा, आपकी जो प्रोफाइल है आईजू की ऑफिशियल वेबसाइट पे बनी हुई आपकी खुद की, वो आपके सामने ओपन हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले आपका यहाँ पे नाम दिखा देगा, जिस भी का भी नाम है वो यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें आपको ऑप्शन आपका एडमिट कार्ड का मिल जाएगा। तो एडमिट कार्ड के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, अगर आपको आपका रिजल्ट देखना है तो आपके टोटल रिजल्ट जो अब तक आईजू ने जारी किए वो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो आईजू के रिजल्ट हमको नहीं देखना, हमको एडमिट कार्ड निकालना है। तो एडमिट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, नंबर 5 पे है, ये चेंज होता रहता है कभी 5 पे कभी 3 पे कभी 4 पे। उसके बाद यहाँ पे आपका यूजी का था, यूजी के फिफ्थ सेमेस्टर के आपके मर्सी चांस के फॉर्म फिल हुए थे, तो इसमें फिफ्थ सेमेस्टर हम चेक कर लेंगे, ये फिफ्थ सेमेस्टर का है। तो इस पे हम एक बार क्लिक कर देंगे प्रिंट करने के लिए। अब बात करें आपके एग्जाम सेंटर की, तो वो आपका जिस कॉलेज में एडमिशन है उससे अलग हो सकता है। तो आप इस प्रकार से आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका एग्जाम सेंटर क्या है, एग्जाम सेंटर आप यहाँ पे देख सकते हो, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नारनौल, नारनौल में इसका जो है एग्जाम होने वाला है। इसका एडमिशन किस कॉलेज में है वो थोड़ा स्क्रोल करोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज अटेली, अटेली कॉलेज में इसका एडमिशन है और नारनौल कॉलेज में इसका एग्जाम होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका भी हो सकता है, अपने एग्जाम सेंटर चेक कर ले अपने एडमिट कार्ड में। डेट शीट के लिए आपको एग्जाम डेट पता करने के लिए डेट शीट का पता होना जरूरी है। डेट शीट कैसे निकालनी है उसकी वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ऑफिशियल लिंक के साथ। उसके बाद यहाँ से आप डाउनलोड करके अपना एडमिट कार्ड है वो सहेज सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सो ये अपडेट थी आप सभी के लिए। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके आगे आने वाली वीडियोज के लिए बने भागीदार। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, वेट फॉर नेक्स्ट।